decision of the judges. No appeal can be made against the decision of the judges. So one of the best judging panels we have here, one of the most scientific and research based judging pattern here. So let's welcome all the horses in the ring. In two teeth coin category, we have 11 participants. बहुत ही बढ़िया दो दांत बचे हैं। सभी रिंग स्टूअर्ट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हैंडलर्स और पार्टिसिपेंट्स के बीच में अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करें। पार्टिसिपेंट्स और हैंडलर्स अपने पार्टिसिपेंट्स के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम दो पशुओं का डिस्टेंस मेंटेन करें। नंबर 87 स्लोली मूव करो अपने हॉर्स को आगे। सभी हैंडलर्स से रिक्वेस्ट है कि आगे वाले घोड़े से 2 से 3 घोड़े का डिस्टेंस बनाए रखें। घोड़ों को सेफ डिस्टेंस पर रखना है आपको। कोई भी हैंडलर घोड़े की बीट पे एक झटका नहीं मारेगा। आपको बीट को कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर सुंदर सुंदर बछेरे यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत ग्रे बछेरा यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर हमारे कैटेगरी में 11 मीडिया टीम से रिक्वेस्ट है कि 11 प्लेयर्स हैं। कैमरा और फोन्स लेकर पार्टिसिपेंट्स से डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। राउंड कर लो बस उसको जाओ। ऑक्टोबर 71 आगे बढ़े। और ये है इमरान पिरानी का घोड़ा काजिम का बेटा ARP। और यहाँ पर ये राउंड आप चेक कर लीजिए। तो गाइस ये है टू टीथ होल्ट की रिंग जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एक से बढ़ के एक खूबसूरत होल्ट। आपके घोड़ों को मूव करते रहे, स्लो वॉक या स्लो ट्रॉट के स्टेप्स में आपको अपने घोड़ों को आगे बढ़ाना है। बीच पे झटका नहीं देना है किसी को भी। Keep walking your horse, please. सभी हैंडलर्स से रिक्वेस्ट है कि अपने घोड़े को वॉक या स्लो ट्रॉट के स्टेप्स पे चलाते रहें। आपको घोड़े को लेके एक जगह पे नहीं रुकना है। जो घोड़े पीछे से आ रहे हैं वो आपके काफी क्लोज हो जाते हैं। So guys, पूरा डिस्प्ले हो चुका है। आपके सामने जो अभी रिंग में सर्कल लगा रहे थे 11 इन टीथ कॉइन कैटेगरी IHOA का आज का पहला रिंग। IHOA के इस शो का चौथा रिंग है ये जो टू टीथ कॉइन कैटेगरी है। अभी सभी घोड़े एक एक करके होल्ड एरिया में जाएंगे और वहां से एक एक करके हॉर्सेस फिर रिटर्न आएंगे रिंग में, जहां पे जजेस उनको गौर से देखेंगे, उनके फीचर्स को नोट करके प्रॉपर तरीके से उनको स्कोर्स देंगे। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जजेस को उनके नोट प्राइस दें। सो गाइस पहले ही कोल्ट ने 72.5 मार्क्स ले लिए हैं और कोल्ट नंबर 81 अभी चेस्ट नंबर आया है और पहले 16 नंबर कोल्ट ने हासिल किए हैं 72.5 मार्क्स, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। कल मिल टीथ कोल्ट कैटेगरी में आपको हाईएस्ट जो घोड़ा जीता हैंडसम उसने 70 मार्क्स हासिल किए थे और यहाँ टू टीथ कोल्ट कैटेगरी में आज का फर्स्ट स्कोर ही 72.5। सो ये है चेस्ट नंबर 81 का घोड़ा। चलो
हर एक पार्टिसिपेंट को ट्रॉट गेट में चलना ज़रूरी होता है ताकि उसकी मूवमेंट के बारे में पता चल सके। तो गाइस कुछ एनिमल जो कि हमेशा से अपने पैडक में खुले रहते हैं और इतना सोशल इंटरेक्शन उनका नहीं होता है, तो फिर जब वो रिंग्स में आते हैं इतना लोगों के बीच, तो फिर वो थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं। और वैसे भी मारवाड़ी हॉट ब्लडेड हॉर्सेस होते हैं, वॉर हॉर्सेस होते हैं, तो आप देख सकते हैं इस घोड़े का एटीट्यूड बहुत ही शानदार। पास ही नहीं आने दे रहा किसी को। The next horse that will enter the ring now is chest number 71. माई फेवरेट कलर ग्रे, बहुत ही खूबसूरत ये घोड़ा आपके सामने है स्क्रीन पर। दोनों आँखें काजल से भरी हुई, बहुत ही प्यारी और एकदम खूबसूरत ये अश्व, पंजाब कलर का होने जा रहा है ये। सो गाइस ग्रे कलर में घोड़ा मतलब 5-7 साल तक बैक टू बैक कलर चेंज करता है और उसी कड़ी में ये खूबसूरत अश्व आप देख सकते हैं। अभी सामने है ब्यूटी, आप इस घोड़े की चेक कीजिए। After observing the horse, judges are requested to stand at a distance from the participating horse and from each other. More seconds remaining on the screen for the judges. जजेस और अभी देखेंगे कि क्या मार्क्स लेता है ये खूबसूरत घोड़ा। सो हियर इज द फाइनल स्कोर फॉर चेस्ट नंबर 82 इन टू टीथ कैटेगरी। स्वागत करें जब भी वो रिंग में आए। थैंक यू सो मच ऑडियंस। I'll request the judges to please maintain safe distance from the participating horse. Handlers से request है कि वो horse को
जितना हो सके सेंटर में मेंटेन करें। कोई भी कारणवश अगर दर्शकों को पार्टिसिपेटिंग हॉर्स का पूरा व्यू सही से नहीं मिल रहा है तो स्टेज के लेफ्ट साइड पर लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। The next two teeth coil that will enter the ring now is chest. So guys, ये है chest number 83। काजिम का बेटा है ये, RP इमरान पिरानी जी का घोड़ा है जिसने सारंगखेड़ा में भी नंबर मारा है, पुष्कर में भी टू टीथ कोल्ड कैटेगरी में इसने नंबर मारा है और आज होपफुली यहाँ पर भी ये 1, 2, 3 में 100% जाएगा। बहुत ही खूबसूरत स्टैलियन, वैसे भी टू टीथ कोल्ड है लेकिन बहुत ही बढ़िया बच्चा है ये। द 3 मिनट टाइमर हैज स्टार्टेड, 180 seconds for participant number 83. The first 60 seconds is for the judges to observe the movement of the horse. More seconds for the judges to type in their mark scores for chest number 83 called in two teeth category. Handlers से request है कि participant को जितना center में रख सकें please कोशिश करें। पूरा एक रंग काला ये अश्व चैंपियन स्टैलियन काजिम का ये बेटा है आजिम, काजिम का ये बेटा है RP इमरान पिरानी का ये खूबसूरत अश्व जो कि हाल फिलहाल के कई रिंग शोज में पार्टिसिपेट किया है इसने और अच्छे मार्क्स लिए हैं इसने, 1, 2, 3 में रहा है हमेशा और आज यहाँ पे भी होपफुली अच्छे मार्क्स लेगा। तो गाइस अब तक भारत विजय ने 72.5 मार्क्स के साथ में सबसे टॉप पे है टू टीथ कोल्ड कैटेगरी में, जो फर्स्ट कोल्ड आया था भारत विजय टैग नंबर 16, उसके बाद कोई भी घोड़ा के आसपास भी नहीं रह पाया है एंड आई होप ये घोड़ा एटलीस्ट उसके आसपास ज़रूर जाएगा या फिर उसे बीट करेगा, बिकॉज बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन का ये बछेरा है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छी मेहनत है इमरान भाई की। घोड़े को मिला है, देखते हैं नेक्स्ट घोड़ा कौन सा आता है। इसके बाद चेस्ट नंबर 84 है गाइस, ये है लास्ट पार्टिसिपेंट टू टीथ कैटेगरी के रिंग में चेस्ट नंबर 87। और गाइस एज फार एज भारत विजय कोल्ट नंबर चेस्ट नंबर 16 अभी तक अनबीटन है विद 72.5 पॉइंट्स के साथ में और IHOA के डिज़ाइन किए हुए हमारे इस जजिंग पैटर्न में 5 जजेस होते हैं रिंग के अंदर जो घोड़ों को डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हुए इवेल्युएट करते हैं और उसके मार्क्स देते हैं और फाइनल टोटल जो आप स्क्रीन पर देखते हैं ये कंप्यूटराइज कैलकुलेशन होता है। हाईएस्ट स्कोर बाय इंडिविजुअल जज इन इंडिविजुअल कैटेगरी को
कंसीडर नहीं किया जाता और लोवेस्ट स्कोर बाय इंडिविजुअल जज इन इंडिविजुअल कैटेगरी को कंसीडर न करने के बाद में एक फाइनल स्कोर होता है, जो कि एक बहुत ही फुल प्रूफ और बहुत ही सही तरीका है घोड़े को मार्क्स देने का। पूरा क्रेडिट इस जज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 16 नंबर भारत विजय आरपीजी 6 जॉर्डन ऑफ कोर्स एज आई कैन सी हम सभी से ज्यादा फैंस फिलहाल भारत विजय के मौजूद है यहां पर ऑडियंस के बीच। सभी के सभी फाइनलिस्ट को जल्द से जल्द रिंग एरिया के अंदर लाया जाएगा। दो दो घोड़ों के बीच में धर्मवीर एंड शिवा फोर्थ। फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स से विनती है क्रॉस एरिया के लिए बाहर आ जाएंगे। और अब टूटी कोल कैटेगरी के लिए जो हमारे स्पॉन्सरर्स थे। सो गाइस ये है स्टैलियन भारत विजय जिसने की जीता है टूटी कोल कैटेगरी की रिंग। जल्द से जल्द कृपया रिंग एरिया के अंदर आ जाएंगे। आई एम गोइंग टू अनाउंस द नंबर्स वन मोर टाइम। नंबर 16 भारत विजय, नंबर 83 आरपीजी, नंबर 88 जॉर्डन, नंबर 64 धर्मवीर, नंबर 81 शिवा, नंबर 71 ब्लैक जैक एंड नंबर 82 हीरा। सब लोग सर्कल्स में मौजूद रहेंगे रिंग एरिया के अंदर। और अब मैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनके ओनर इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आप स्पॉन्सर्स थे हमारे इस कैटेगरी के लिए, आप रिंग एरिया के पास आ जाएंगे। नंबर 5 के विनर के लिए स्पॉन्सर्स थे हमारे आरएस रियल्टी। अगर यहाँ पर आरएस रियल्टी की तरफ से तो वे कृपया आगे आ जाए। नंबर 4 के लिए मिस्टर आशीष बुरावे जी। नंबर 3 के लिए राज आर्यन जी। नंबर 2 के लिए जहीर जी शेख एंड पोस्ट के लिए लेट राव बहादुर नारायण राव बुरव की। सो कृपया सभी स्पॉन्सर्स को जल्द से जल्द आने के लिए मैं पूछना चाहूंगी अलॉन्ग विद धर्मवीर। इन सभी के बीच मैं हमारे जो कल से लेकर आज तक जो स्टॉल मेंबर्स हैं एक एक करके उनके नाम लेना चाहूंगी। वो जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाएंगे। आई रिपीट, स्टॉल मेंबर्स के लोग स्टेज पर आ जाएंगे। ये वाले पकड़ घोड़ा पकड़। कबीर एक्सपोर्ट्स इक्वाइन एक्सेसरीज की तरफ से कृपया एक शख्सियत स्टेज पर आ जाएंगे। उसके बाद छत्रपाल सिंह जडेजा जी मैजिक ग्रूम। उसके बाद डाइट माइल्स की तरफ से कृपया एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर ओनर स्टेज पर आ जाएंगे। फ्रॉस्टी सप्लीमेंट्स की तरफ से एक कृपया स्टेज पर आ जाएंगे। ये सभी हमारे स्टॉल्स हैं जो कल से लेकर आज यहाँ पर मौजूद हैं। इनको विजिट करना मत भूलिए। हीरा एंड ब्लैक जैक स्पॉन्सर्स जो है आईएसए की तरफ से चेस नंबर 82 एंड 71 रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। इन दोनों में फिफ्थ प्लेस के लिए टाई हुआ है आरएस रियल्टी की तरफ से। शिवा एंड धर्मवीर इनमें भी फोर्थ प्लेस के लिए टाई हुआ है। शिवा एंड धर्मवीर के बीच में चेस्ट नंबर 64 आप देख सकते हैं। ये दोनों खूबसूरत आमने सामने हैं। फोर्थ पोजीशन पे जो है वो दोनों को ही 61.5 मार्क्स मिले। बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर राज सातपुते एंड राहुल बुराड़े। सबसे पहले 81 को फेलिसिटेट हम लोग करेंगे। 81 शिवा जिस खूबसूरत अश्व का नाम है। गाइस ये है शिवा 61.50 इन्होंने स्कोर किया है।
हमारे बाकी के कमिटी मेंबर्स ये आप देख रहे हैं धर्मवीर, इसने भी फोर्थ प्लेस लिया है, दोनों ने ही 61.5 मार्क्स 61.50 ये स्कोर करके फोर्थ पोजीशन सिक्योर करने वाले धर्मवीर मिस्टर राहुल बोराडे और उनकी पूरी परिवार से। ओके फोर्थ प्लेस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू धर्मवीर। अब फिफ्थ के बाद फोर्थ के बाद वक्त हो चला है जॉर्डन जिसने थर्ड प्लेस लिया है, एंट्रेंस के पास संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। धन्यवाद, खुश है यहाँ पर 62 पॉइंट्स के साथ में थर्ड प्लेस पे रहा है ये खूबसूरत प्राइस, ये है आरपीजी। हमारे जो स्पॉन्सर है वो है जहीर शेख, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कृपया आप रिंग एरिया में आ जाएंगे। ओके ही इज ऑलरेडी देयर। आरपीजी 66 स्कोर किया है उन्होंने, इमरान पिरानी उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स, स्पेशल अप्रिसिएशन भी जाना चाहिए सभी हैंडलर्स को भी जो इन सभी हॉर्सेस को मैनेज कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत रिंग में लगती है अपने इमरान भाई के। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल से लेकर अभी तक, आई रिपीट, कल से लेकर अभी तक इमरान भाई आपके लिए गुड लक चाहना है। पहले रिंग में आने के पहले एक लात खा के आया करो आप। हमारे आज के पहले विनर ने यानी कि भारत विजय ने कमाया है, इमरान पिरानी जी का घोड़ा है आरपीजी, और कल से लेकर आज बढ़िया घोड़ा है, कैटेगरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है भारत विजय ने। राजू देसाई और उनकी पूरी टीम को बधाई बुराव की ट्रस्ट उनकी तरफ से आशीष जी बुराव है भारत विजय के साथ, जिसने 72.5 अब तक का हाईएस्ट स्कोर भारत विजय इस खूबसूरत हॉर्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। 72.50 हाईएस्ट स्कोर अभी तक का।